कानून का इस्तेमाल करके हम जम्मू कश्मीर को दोबारा वो मुकाम हासिल करके रहेंगे जो हमसे छीना गया। बेशक मुमकिन है इस लड़ाई में हमें वक्त लगे, तो 370 हो, 35 हो, आईन की बात वो तो अपनी, लेकिन रोजमर्रा के मुश्किलातों में भी कोई कमी नहीं आई। जो मरकज की हुकूमत यहां के लोगों को कहा कि आपकी तरक्की में रुकावट 370 है, कॉन्फ्रेंस जमात है जनाब, हम यहां के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करते रहेंगे और कि कल के फैसले में हमारे लिए कुछ बेहतर ही लिखा हो, जम्मू कश्मीर और यहां के लोगों को उसमें से कुछ राहत जिसकी हम उम्मीद रख रहे हैं वो मिले, बाकी सिलसिला चलता रहेगा ना। हमारे मुखालिफ तो हमला करते रहेंगे, बीच बीच में हमारे दोस्त भी हमला करते हैं, जवाब तो यहां से आ ही गया। सर अपने पास यहां पर, यहां पर ठीक है, थैंक यू सर। जिस उम्मीद से हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे वही उम्मीद आज भी है। हमने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया 2019 में तो इंसाफ हासिल तो ज़रा एक सेकेंड इनको बोलो कर। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे, आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ चार ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अगर फैसला हक में नहीं आता है तो लायामल लायामल क्या रहेगा? मैं अगर मगर में नहीं जाता हूँ जनाब, जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूँगा ना अगर फैसला हमारे हक में गया, दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। फैसला आने दीजिए उसके बाद हम बात करेंगे ना। जो पुलिस आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस के तरफ से क्या फैसला आने वाला है। जो पुलिस प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस बुला रहे हैं, उसके आप क्या? अब अफसोस है, कम से कम यहाँ के लोगों पर भरोसा करिए। यहाँ के लोगों ने कब पिछले 4 सालों में कानून को अपने हाथ में लिया? 2019 में नहीं लिया, 2020 में नहीं लिया। आज जबकि गाज़ा को लेके हम सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आज भी लोग जो हैं दिमाग से काम ले रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फैसला आने के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं वो माहौल नहीं बिगाड़ेंगे। पुलिस को पकड़ धकड़ करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों पर भरोसा करना चाहिए उनको। कल महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले हमला किया था पीडीपी पे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अफसोस की बात यह है कि बंद कमरे में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं और खुलेआम जो कहती हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 2 हफ्ते पहले जब मेरे वालिद साहब ने उनसे फ़ोन पर बात की क्योंकि ये तूतू मैमे का सिलसिला वो रोकना चाहते थे, उस वक्त महबूबा ने ये कहा कि पहला हमला मजीद लारमी और शौकत जो मेरे साउथ कश्मीर के साथी हैं गनाई उनके तरफ से हुआ, परसों गांदरबल में उन्होंने कुछ दूसरी बात कही। मुझे उम्मीद है कि कल परसों जब उनकी दोबारा तकरीर होगी वो कोई तीसरी बात कहेंगे। पहला हमला मुझसे नहीं हुआ, मैं शायद ही कभी
अपनी तकरीर में उस जमात की बात करता हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ और ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि 2015 में, नहीं सॉरी 2009 में, जब हमने बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, उस वक्त हमारे हाथ को ठुकराया गया, उस दोस्ती को कबूल नहीं किया गया और उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर यही वार है तो ठीक है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। जब हमारे खिलाफ बातें होती हैं तो क्या हम खामोश रहें? हमला सबसे पहले पीडीपी के तरफ से हुआ और वो इस साल नहीं, पिछले साल शुरुआत हुई, जब उनके रेजिंग डे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ न सिर्फ तकरीरें हुई बल्कि गाने भी बजाए गए, उस वक्त हम खामोश रहे। फिर इस साल सिलसिला और ज़्यादा बढ़ा। मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ कि ये इस तरह के हालात बने रहे। आपने देखा होगा मैंने अपनी तकरीर में इस तरह की कोई बात नहीं की। वहाँ से हमारे ऊपर हमले रुक जाएं, यहाँ से भी जो है मेरे पार्टी जो है साथी वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है जब वहाँ से बात उठती है और ख़ासकर उनके सदर के तरफ से, तो यहाँ से जवाब देना फिर ज़रूरी पड़ता है। आपको लग रहा है कि कल जो है एक और अटैक एक कांस्टेबल पर हुआ, तो आप क्या किस तरह से देखते हैं? अफसोस है, हालात ठीक नहीं है, ये अब सबको दिख रहा है। होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में दावा किया है कि 2026 तक कश्मीर में पूरी तरह से मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म की जाएगी। हम उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब यहाँ मिलिटेंसी जो है उसका खात्मा होगा। क्या आपको लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों में कुछ ट्रस्ट डेफिशिएंट है? चलेना।